नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां बात करेंगे मंडपम में हुए अधिवेशन की, बेगूसराय में हुए ट्रिपल मर्डर की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जो दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली में 2024 को लेकर मंथन हुआ, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता जूही सिंह। शनिवार और रविवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम जो है इस दौरान शामिल हुए। और बता दें कि इस अधिवेशन को जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है इसको खुद उनके नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। इस दौरान जो है तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी भारी तादाद में यहाँ शामिल हुए थे, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर ले या फिर उत्तर प्रदेश की बात, हर जगहों में जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ से नेता और कार्यकर्ता इस दौरान शामिल हुए थे। आपको बता दें इस दौरान जो बड़े नेता है, चाहे वो बात कर ले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और सबने एक एक करके अपना संबोधन दिया। इसमें जो है देश के युवा, किसान, महिलाओं सभी के मुद्दे को उठाया गया और आगे जो है लोकसभा की रणनीतियों को लेकर भी बीजेपी की ओर से तमाम तरह की टिप्स जो है कार्यकर्ताओं को दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपना संबोधन किया, जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों को सामने रखा और इसके साथ उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा है कि हमने जो है कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया, इसके अलावा भी देश में कई कल्याणकारी योजनाओं को लाया है, धरातल पर उतारा है। इसके साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष जो है आज उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं, वह अगर भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प केवल भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार ने दिखाई, यह विपक्ष नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत वार करना है या नहीं, इसमें ही उलझे हुए हैं। विपक्ष के एक नेता जहां कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने से पार्टी को नुकसान है, तो वहीं दूसरा नेता जो है हमला भी करता है। यानी कि ये टोटली इस तरह से कहा है उन्होंने कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए सब किया गया है। और इस तरह से जो है अधिवेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन किया। इसके साथ ही अपने लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो है कार्यकर्ताओं को टिप्स एवं लोगों से जुड़ने के जो है इस दौरान टिप्स भी दिए हैं। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही इंडिया। प्रयागराज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रयागराज पहुंच चुकी है। दरअसल जो आनंद भवन उनका पैतृक आवास है, वहाँ पर रुकने के बाद वो अपनी इस यात्रा को प्रतापगढ़ की तरफ उनकी यात्रा रवाना होगी। इस बीच में यूनिवर्सिटी के कई इलाकों पर उनकी यात्रा रुकती हुई जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि वो यात्रा में जो तमाम जनसमूह उमड़ा है उनको संबोधित भी करेंगे। तो कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की ये न्याय यात्रा अपने आप में एक अलग जोश लेकर आई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, और यही वजह है कि उनके पैतृक शहर में बड़ी संख्या में कांग्रेसी इस वक्त आनंद भवन पर इकट्ठा हो चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से तिलियरगंज होते हुए बागाता मऊआइमा के पास जाकर के रुकेगी और रात में विश्राम करेंगे, उसके बाद अगले दिन प्रतापगढ़ के लिए यात्रा रवाना होगी। इस बीच में राहुल गांधी अपने पैतृक शहर में अपने लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की कोशिश भी करेंगे। जिस तरह की राहुल यात्रा ये निकल रही है न्याय यात्रा में, जिस तरह से राहुल को समर्थन मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में जोश जरूर पैदा हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से ये न्याय यात्रा आगे बढ़ेगी, 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रूप से घेरेबंदी भी शुरू हो चुकी है और इस यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश कांग्रेस देने की कोशिश करेगी। श्रेविज भी इंडिया वाइज यात्रा। अमेठी में राहुल गांधी की यात्रा 19 फरवरी को पहुंचेगी, कैसी चल रही है यात्रा की तैयारी बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी के सगरा तिराहा पर है और अमेठी में भी इस समय चुनावी पारा पूरा हाई हो चुका है, क्योंकि कल राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं। ये न्याय यात्रा अमेठी के पुलिस लाइन से शुरू होकर इसी सगरा तिराहा से होते हुए रायबरेली के लिए प्रस्थान करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे गली, मोहल्ला, चौराहा को पोस्टर द्वारा सजाया जा रहा है। ऐसे में हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि जो पोस्टर लगा है उस पर जो लिखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक, और आगे आप देखेंगे तो लिखा है लेंगे बदला
मिला, देंगे खून भैया बिना अमेठी सुन। अब आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि यह न्याय यात्रा पुलिस लाइन से शुरू होकर इसी सगरा तिराहे पर पहुंचेगी, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उस न्याय यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। ये न्याय यात्रा यहां से निकलकर बाबूगंज के जो टोल प्लाजा है वहां पर पहुंचेगी, जहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। उस जनसभा को राहुल गांधी द्वारा संबोधित किया जाएगा। उसके बाद तेंदुआ में उस न्याय यात्रा का रात्रि विश्राम होगा और अगली सुबह वो न्याय यात्रा वहीं से रायबरेली के लिए चली जाएगी। संजय कुमार यादव, इंडिया वाइस, अमेठी। बेगूसराय में हुए ट्रिपल मर्डर पर खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। बिहार के बेगूसराय में पिछले 1.5 साल से चल रहे एक विवाद का अंत एक ऐसे भयावह रूप से हुआ जिसे जानकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बताएं कि कल बिहार के बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर कांड हुआ और 3 लोगों की हत्या हुई। और इस मामले में आपको बताते हैं कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के बीच में 1.5 वर्ष से विवाद चल रहा था, क्योंकि ये एक पकड़ा हुआ विवाह का मामला था। इस समय होता ऐसा है कि लड़के को ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है, हालांकि लड़की पक्ष का कहना है कि दोनों की रजामंदी से शादी हुई और 1.5 साल बीत जाने के बाद भी लड़की पक्ष ने कहा कि वो उनकी बेटी को अपनाने को तैयार नहीं हुए और आरोप लगाया कि 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। और जब 15 लाख पूरे हुए तो लड़की का पिता अपने बेटे और अपनी बेटी को लेकर ससुराल जाता है अपनी बेटी को लड़के के हवाले करने। लेकिन वहाँ हुआ कुछ ऐसा कि पहले विवाद हुआ, उसके बाद गोलियाँ चलने लगीं और इस फायरिंग की घटना में जो लड़की के ससुर थे उनकी फायरिंग के द्वारा जो लड़की थी, लड़की के पिता थे, लड़की का जो भाई था, तीनों की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में फिलहाल पुलिस पूरी जांच कर रही है। अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये पुलिस या जांच खत्म होने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सभी अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ। लखनऊ में यूट्यूबर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। रेव पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई करने के आरोपों से घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपने आप को बेगुनाह बताया है। एल्विश यादव ने वायरल वीडियो में कहा है कि पीएफए के सदस्य उन्हें बेवजह बदनाम कर रहे हैं। वहीं एल्विश ने पीएफए के सदस्यों पर धन उगाही का भी आरोप लगाया है। वहीं एल्विश ने यह भी कहा है कि जिस तरह से उन्हें यह प्रचारित कर बदनाम किया जा रहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इस पर एल्विश ने सवाल खड़ा किया है कि सांपों के जहर की रिपोर्ट जहर ही आएगी। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव ने यह भी कहा है कि जिस दिन नोएडा में रेव पार्टी होने की बात कही जा रही है वह उस दिन मुंबई में थे। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव ने यह भी कहा है कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में एल्विश ने यह भी कहा है कि जिस तरह से उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है वह पूरी तरह से बेगुनाह है। फिलहाल एल्विश यादव के आरोपों की सच्चाई क्या है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से जो रिपोर्ट आ रही है और जो वायरल वीडियो सामने आए हैं इस मामले में अब आगे की कार्रवाई भी तय की जा रही है। अब देखना यह होगा कि यूट्यूबर एल्विश यादव जिस तरह से अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं और जो उनके सामने पुख्ता सबूत इकट्ठा करने की बात पीएफए कह रहा है, ऐसे में आगे एल्विश यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ती है। कैमरा मैन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए पूर्व अनुमान जारी किया है, जिसके बाद देहरादून में मैं बात करूं तो काले बादल अभी भी छाए हुए हैं, हल्की धूप है, लेकिन मौसम और तापमान में है उसमें गिरावट देखने को मिली है। रविवार की मैं बात करूं इन 4 दिनों में से, तो आज दिन के बाद ये माना जा रहा है कि जो 2800 फीट से अधिक जो जितनी भी पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर हल्की बर्फबारी और जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जो सोमवार और मंगलवार की बात करूं तो प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट
अलर्ट जारी किया गया है। 2500 फीट से अधिक जो जितनी भी ऊंचाइयां हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है अच्छी खासी, जिससे जो पर्यटक है वो उत्तराखंड का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड की वादियां हैं अपनी खूबसूरत वादियां हैं वो बर्फबारी के लिए जानी जाती है, और ऐसे में जो पर्यटन है वो यहाँ पर उत्तराखंड पधारते हैं। तो ऐसे में अगर मैं 21 फरवरी की बात करूँ तो 21 फरवरी में मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो अब 4 दिन करवट ले सकता है और तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और अगर मैं मौसम विभाग की तो उन्होंने जो लोग हैं उन्हें खास तौर पर सलाह दी है कि कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ऐसे में, क्योंकि तापमान जब गिरता है, जब बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो पाला गिरता है उससे जो सड़कें होती हैं वो खतरनाक हो जाती है। ऐसे में धीरे गाड़ी चलाने की जो सलाह वो दी गई है। साथ साथ हिमस्खलन की भी जो चेतावनी है वो मौसम विभाग ने दी है कि ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचे, ताकि जो अगर ताजी बर्फ पड़ती है तो हिमस्खलन का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सावधानी रहने की पूरी सलाह दी गई है। 4 दिनों के लिए बारिश और साथ साथ बर्फबारी का जो दौर है उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी से मैं बात करूं तो तापमान में गिरावट देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब पर्वतीय क्षेत्रों का की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट आशुनियल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। हरदोई में 2 अस्पताल संचालकों के बीच हुई झड़प, क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में आपको बता दें एक मरीज को लेकर 2 हॉस्पिटल संचालक आपस में भिड़ गए। जो आपस में भिड़े तो भिड़े, लेकिन गाली गलौज होने के बाद में लाठी डंडे पर भी उतारू हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर 2 हॉस्पिटल आमने सामने संचालित हैं। लेकिन आपको बता दें कि दोनों हॉस्पिटल उनका सिर्फ लाइसेंस है, और अगर बात करें कि मानकों के तो खिलाफ चल रहे हैं वो, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि यहाँ जो लड़ाई झगड़े की बात अगर जो आई है मरीज को लेकर, आने जाने को लेकर कि हमारे यहाँ एडमिट कराओ, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ एडमिट कराओ, इसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है, कछौना थाने पर दर्ज हो चुका है। और पूरे मामले पर जो घायल है उसको उसका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक अगर इसकी बात कहें कि उन हॉस्पिटलों के डॉक्टरों को अगर चेक किया जाए तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि CMO मेहरबान चल रहे हैं लगातार। देखना ये होगा क्या हरदोई का प्रशासन इन हॉस्पिटलों पे जो अवैध रूप से चल रहे हैं इन पे किस तरीके से कार्रवाई करता है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया। रायबरेली में आग के तांडव में झुलसे 5 लोग, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में आग का तांडव देखने को मिला है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत छोटी घुसियाना में आग का घर के अंदर तांडव देखा गया। बता दें कि आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि स्थानीय लोगों के छक्के छूट गए और लोग अपने घर से बाहर निकल कर कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति में पहुंच गए। जिस तरह से आग का तांडव देखने को मिला, ऐसे में 5 लोग उसमें झुलस गए थे, जिसमें 3 लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं और उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि जानकारों की माने तो अवैध तरीके से घर के अंदर तारपीन का तेल रखा था और तारपीन की तेल में ही शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगना बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह से ये अवैध तारपीन का तेल रिहायशी इलाके में रखा गया था, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से स्थानीय अधिकारी इस पर कार्यवाही करते हैं, और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की उदासीनता भी कहा जा सकता है कि ऐसे में जो रिहायशी इलाका है, घनी बस्ती का इलाका माना जाता है छोटा घुसियाना, और ऐसे में घर के अंदर ज्वलनशील पदार्थ रखना कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को चुनौती देना हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते ही आग पर काबू पा लिया और एक बड़ी घटना होते होते बच गई। हालांकि घटना स्थल पर उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर जायजा लिया है और ऐसे अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा और समय तय करेगा कि किस तरह से अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करते हैं और क्या कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। लोगों के बीच से जो आवाज़ें आ रही हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे रिहायशी इलाकों में कहीं ना कहीं ऐसे ज्वलनशील पदार्थ को रखना एक बड़ी घटना को चुनौती देना है। तो ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि किस तरह से अधिकारी ऐसे अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी अब ऐसे स्थानीय प्रशासन को
देखना होगा और तय करना होगा कि इसी तरह से कई और व्यवसायी तो वहाँ गोदाम नहीं बनाए हैं, यानी अपने घर में ऐसे ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं रखे हैं। इस पर भी अधिकारियों को नजर रखने की जरूरत होगी। ऐसा लोगों के बीच से आवाजें आ रही हैं और लोगों का कहना है, क्योंकि जो आग 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 का मंजर था वो कहीं ना कहीं बड़ा भयावह था और लंबी लंबी लपटें आगे आग की देखने को मिली थी, जिसके बीच में कहीं ना कहीं जो लोग थे वो डरे सहमे थे। औरतें और बच्चे खास तौर से उसमें उलझे हुए थे और कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति वहाँ पर देखने को मिली। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, राजस्थान। मथुरा में अपहरण हुआ व्यापारी, 24 घंटे बाद हुआ बरामद। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। 15 फरवरी शाम 6 बजे कृष्ण कुमार अग्रवाल का अपहरण हुआ और ये अपहरण पूरा जुए को लेकर हुआ था, यानी जुआरियों द्वारा ही अपहरण किया गया था। और अपहरण के बाद जैसी पुलिस को सूचना लगी, पुलिस तुरंत जो है काम में जुट गई। पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर जो है इस काम को अंजाम दिया। अपहरणकर्ताओं द्वारा 3.5 लाख रुपए की रकम अपने खाते में डाले जाने के लिए परिवारी जनों पर दबाव बनाया, तभी परिवारी जनों ने 2 लाख रुपए की रकम खाते में डाली, तभी तुरंत पुलिस ने खाते को फ्रीज करा दिया, जिससे अपहरणकर्ताओं के पहुंचने तक पुलिस को मौका मिल गया। और जो अपहरणकर्ता थे, यानी 3.5 लाख रुपए की रकम थी, वो 3.5 लाख रुपए की रकम कृष्ण कुमार अग्रवाल जुए में हार गए थे। इसको लेकर ही जो और लोग जुआरी हैं उन्होंने अपहरण किया था कृष्ण कुमार अग्रवाल का। इसी को लेकर पुलिस जो है जुआरियों तक पहुंची और पुलिस ने कुछ बदमाशों को जो फरीदाबाद नूह के हैं उनको गिरफ्तार भी किया है। और पुलिस द्वारा इसमें और जो बदमाश हैं उनको भी गिरफ्तारी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस जो है इस मामले में छानबीन कर रही है। SSP शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि कृष्ण कुमार अग्रवाल भी शातिर किस्म के आदमी हैं और उन्होंने जो है जुआरियों के साथ मिलकर ये काम किया था, जुए में ये रकम हार गए थे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। मिर्जापुर में 25 साल की महिला का एक शव लटका मिला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के थाना देहात कोतवाली अंतर्गत पीपरा डांड गांव में एक घटना हो गई। आपको बता दें कि एक विवाहिता 25 साल जिसकी उम्र है वो जो है कि फांसी पर लटकती हुई पाई गई। बता दें कि मोहल्ले में लोगों ने बीती रात में सोए थे, हालांकि सुबह उठते ही देखा कि जो है कि एक महिला जो कि शादीशुदा है, 25 वर्षीय उनकी उम्र लगभग है, वो जब फांसी से लटकता हुआ मिला। उन्होंने गांव के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना देती है, पुलिस मौके पर आके जांच पड़ताल करती है कि पता चलता है कि जो है कि ये महिला चुनार के रहने वाली है। चुनार से यहाँ आकर अपने प्रेमी के साथ में प्रेम प्रसंग का मामला था, जो कि क्या घटना हो गई, उन्होंने प्रेमी नहीं ऐसा फांसी लगा दी या फिर खुद से लग गई, लोगों ने जो है कि आक्रोशित मोहल्ले वाले ने हो गए हैं। आपको बता दें पुलिस ने जांच पड़ताल, CO मंजरी राव ने खुद वहां पर पहुंच कर जांच करी है। उन्होंने बताया है कि जो है कि जिस तरह से शक के दायरे में जांच के लिए उसके जो है कि एक बॉयफ्रेंड उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बैठाई हुई है। आपको बता दें कि मामला जो है कि उसके जो चुनार जहां घर है वहां से छानबीन की जा रही है और मिर्जापुर जहां पे आई है वहां पे छानबीन की जा रही है। इसके हत्या में क्या है, कौन कौन शामिल है या फिर अकेले अपने ही खुदकुशी की रही, इसका मामला जो है कि इसकी जाँच कर रही है पुलिस। जो जाँच करने के बाद जो भी संज्ञान में आता है, जो भी इसके सामने आता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेगी। हमारे सहयोगी CM के साथ कमलेश कुमार। जालौन में देर रात हुआ एक भीषण सड़क हादसा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में एक बार फिर देखा तेज रफ्तार का कहर, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक के पीछे जा घुसी, वहीं कार ट्रक में घुसने से कार में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आनन फानन में राहगीरों के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है तथा मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र के जालौन औरैया स्टेट हाईवे के पास ग्राम हरसिंहपुर का है, जहां ग्राम हरसिंहपुर के पास झांसी से परीक्षा देकर एक कार में 8 लोग सवार होकर वापस अपने घर जा रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर ट्रक के पीछे जा घुसी, जिससे कि एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस जालौन। संभल में मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को मिली सजा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। आज कोर्ट के आदेश पर एक रेप रेपिस्ट के लिए आज 20 साल की सजा और 50 साल का जुर्माना लगा है, क्योंकि उसने 9 साल की बच्ची के मासूम के साथ में गंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था। जंगल में जाने के में उसने लड़की के साथ रेप किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के धनारी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर दो मासूम लड़कियां खेत पर गाय चरा रही थी, तो वहां पर एक युवक पहुंचता है। पहुंचने के बाद में दोनों से उल्टी सीधी बात करने लगता है। एक लड़की ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया तो उसे मारपीट कर भगा दिया। जब दूसरी लड़की ने उसे ले जाने के बाद जंगल में ले जाने के बाद खेत में ले जाने के बाद में उसे हाथ पैर बांधने के बाद में उसके साथ रेप किया गया। 9 साल मासूम बच्ची को जब रेप की घटना को अंजाम दिया गया तो उसके बाद में उसे मारा पीटा और कहा कि तूने अपने घर वालों को बताया तो तेरे परिवार वालों को जान से मार देंगे। इसी को लेकर लड़की समय युति घर पहुंची और उसकी हालत देखकर परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जब जानकारी हुई कि उसकी बेटी के साथ में रेप किया गया है तो उसके पिता ने कोतवाली में जाकर मुकदमा दर्ज कराया। जब इस मामले में यह भी बताया गया है कि आरोपी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल केस चला। इस मामले में कोर्ट ने सबूत मिलने के बावजूद उस पर 20 साल की सजा और 50 साल का जुर्माना लगा दिया गया है। उसके पिता का कहना है कि जब भी वो युवक रेपिस्ट सामने आता था, मुलजिम सामने आने के बाद में उसका कहना था कि मैं उसे जान से मार दूंगा, जब किया उसकी हत्या कर दूंगा। लेकिन इस मामले में जब वकील से इसके मामले में बात करी तो वकील ने समझाया कि सरकारी वकील ने कहा कि आप चिंता न करें, इसे सजा होगी। आज कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा और 50 साल का जुर्माना लगाकर सजा सुनाने के बाद में जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।